नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। बीएसपी का चेहरा रहे जमा खान अब जेडीयू का हिस्सा हो गए हैं। उन्होंने दो महीने के अंदर ही नीतीश कुमार की सरकार में आस्था दिखाते हुए जेडीयू ज्वाइन कर ली और कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है। लेकिन जमा खान के जेडीयू ज्वाइन करने के साथ ही उनके साथ विवाद भी शुरू हो गया। दरअसल 2020 का जो एफिडेविट है उससे जुड़े हुए कुछ मामले, जिस मामले में को लेकर जमा खान पर अब विवाद शुरू है। ऐसा पहली बार नहीं, आपको याद होगा जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को बनाया गया था। उन पर भी कुछ अपराध के मामले चल रहे थे जिसे लेकर उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। ये कहा जा रहा है कि जमा खान को जेडीयू ने इसलिए ज्वाइन कराया है क्योंकि उन्हें अल्पसंख्यक विभाग का मंत्रालय दिया जा सकता है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इन केसेस को रहते हुए नीतीश कुमार उन्हें मंत्री पद देंगे। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो एफिडेविट में जमा खान ने अपने ऊपर चल रहे केस के बारे में बताया है वो आपको डिटेल में बता देते हैं। चैनपुर विधायक ने चुनाव के वक्त जो एफिडेविट जमा किया है उस एफिडेविट के अनुसार 100 आईपीसी की जो धाराएं हैं उन धाराओं के तहत आपको बताते हैं कि उन पर कौन कौन सी धारा लगाई गई है। 147 उपद्रव करने का मामला, 148 गैर लाइसेंसी हथियार रखने का मामला, 149 गैर कानूनी सभा करना, 323 किसी पर इरादतन हमला करना, 324 मारपीट का मामला, 307 हत्या की कोशिश, 27 अवैध हथियार रखना। जमा खान पर इसके अलावा भी भभुआ थाना में कई केस चल रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी भी केस में वो अभी तक दोषी करार नहीं दिए गए हैं। हालांकि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी एक मामला जमा खान के ऊपर चल रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या इतने मामलों के रहते हुए नीतीश कुमार जमा खान को मंत्री पद दे सकते हैं। अगर आप नीतीश कुमार के पिछले बैकग्राउंड को देखें तो नीतीश कुमार ने अपराधी विधायक को, किसी भी ऐसे विधायक को मंत्री नहीं बनाया। अगर उन पर किसी तरीके के आपराधिक मामले चल रहे हों तो फौरन उनका इस्तीफा ले लिया। आपको कुछ उदाहरण बताते हैं। 2005 में जीतन राम मांझी पर एक मामला प्रकाश में आया था, तब उस वक्त उनका इस्तीफा ले लिया गया था। बाद में दोषमुक्त होने पर उन्हें मंत्री बनाया गया। 2010 में रमाधार सिंह और आरएन सिंह से इसलिए इस्तीफा ले लिया गया क्योंकि उन पर पहले का मामला नीतीश कुमार को पता चला था। 2020 में भी मेवालाल चौधरी से इस्तीफा ले लिया गया क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का एक मामला चल रहा था। ऐसे में ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस वक्त बीजेपी में भी शहनवाज हुसैन की एंट्री हुई है, वो भी एक मुस्लिम चेहरा है। वहीं जेडीयू में जमा खान के तौर पर मुस्लिम चेहरे की एंट्री हुई है, बीएसपी से वो जेडीयू का हिस्सा हो गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि इतने सारे आपराधिक मामलों के साथ क्या जमा खान को किसी मंत्रालय, कोई मंत्रालय दे सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि जो है वो सुशासन वाली है और अगर किसी पर आपराधिक मुकदमा चल रहा होता है तो नीतीश कुमार उन्हें मंत्री पद देने से भी बचते हैं। आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार तक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें।